हम डिस्कस करने वाले हैं वीवो की अपकमिंग X90 सीरीज के हवाले से। इसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा, यहाँ पर कितने मॉडल्स आ रहे हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, यहाँ पर कंप्लीट बताऊंगा, प्लस यहाँ पर इसकी चाइनीज लॉन्च डेट एंड यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगी, सब कुछ डिटेल दूंगा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच कर लेनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर देखें X90 सीरीज के हवाले से कि इसमें कितने मॉडल्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम सभी जानते हैं ज्यादातर इनमें तीन मॉडल्स आते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तीन मॉडल्स ही आएंगे, मींस के X90 वनीला एंड मींस के X90 जो सिंपल वाला होगा वो होगा, और साथ में हमें यहाँ पर मिल जाएगा X90 प्रो एंड X90 प्रो प्लस। ओके, ये तीन वेरिएंट आएंगे इसके अंदर। जहां तक बात कर लें सबसे पहले इसके लॉन्च इवेंट के हवाले से कि चाइना में कब लॉन्च किया जा रहा है इसको, तो यहाँ पर देख सकते हैं वीवो ऑफिशियली यहाँ पर चाइनीज वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया, खुद वीवो वालों ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जस्ट एक दिन पहले की पोस्ट है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 22 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है यहाँ पर एक्स पूरी X90 सीरीज को चाइना के अंदर, ठीक है। जहां तक बात कर लें इसके बारे में कि ये पाकिस्तान में कब आएगा, इंडिया में कब आएगा, देख लें यहाँ पर चाइना में तो नवंबर में लॉन्च किया जा रहा है, मींस के एंड ऑफ नवंबर बन जाएगा ये 22 नवंबर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फरवरी से पहले मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान में तो आएगा, और इंडिया में मेरे ख्याल से जनवरी के एंड में या तो फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। इसके मुतालिक जैसी कोई एग्जैक्ट डेट कन्फर्म होती तो मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा, तब तक के लिए आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। जहाँ तक बात कर लें इसकी कुछ मजीद देखिए प्राइसिंग की, प्राइसिंग यहाँ पर की क्या प्राइसिंग आने वाली ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइसिंग यही कहा जा रहा है कि प्राइसिंग यहाँ पर $1000 आएगी इसके जो प्रो प्लस वाला वेरिएंट होगा, ठीक है ना, मतलब जो बड़ा वाला इसका वेरिएंट होगा उसकी तो $1000 प्राइस आएगी X90 प्रो प्लस, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आएगा तो फ्लैगशिप मोबाइल ही होगा। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ना कुछ इसके बारे में डिटेल देता चूँ कलर्स के हवाले से। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर, रेड कलर और ये यहाँ पर ब्लैक कलर, ठीक है, तीनों कलर्स आपने थंबनेल में भी देख लिए होंगे। अभी यहाँ पर हम सीधा सीधा स्पेसिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद वीडियो को कर लेते हैं रैप अप। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता चलूँ, देखें यहाँ पर इस दफा तीन मॉडल्स आ रहे हैं, पहले बता चुका हूँ आपको। देखें ये जो इसमें वनीला मॉडल आएगा ना, मीन्स के जो नॉर्मल वाला होगा, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर X90 सीरीज 22 नवंबर को तो लॉन्च हो रही है, और यहाँ पर जो इसमें ये छोटा वाला मॉडल आएगा उसमें आएगा डायमेंसिटी 9200 प्रोसेसर, ठीक है, और जो इसमें यहाँ पर प्रो प्लस आएगा X90 प्रो प्लस उसके अंदर हमें मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। ओके, तो यहाँ पर इस किस्म की हमें ये तरतीब देखने को मिलने वाली प्रोसेसर के हवाले से, मींस के X90 प्रो में हमें डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिल जाएगा और जो X90 प्रो प्लस होगा उसमें हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर देख लें ऑफिशियली वेबसाइट पर तो क्लेम कर दिया है वीवो ने, तो अभी हम देखते हैं मजीद। देखें यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ चंद स्पेसिफिकेशन के, रैम एंड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है, और साथ में यहाँ पर हमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा देखने को मिलने वाला है। प्रोसेसर तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि किस मॉडल में कौन सा प्रोसेसर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमें आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉयड 13 देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, और 12 GB की रैम होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर बेस वेरियंट भी 256 GB का ही होगा, 128 GB का बेस वेरियंट नहीं होगा। लेट्स सी कि बेस वेरियंट यहाँ पर कितने गीगाबाइट का आता है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल यही स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रही थी। यहाँ पर मैं यही बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सोनी IMX सेंसर भी मिलने वाला है। इसके मुतालिक मैं डिटेल में बाद में वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये जस्ट एक हफ्ते बाद रिलीज ही हो जाएगा मोबाइल, तो मैं इसकी कंप्लीट इन तीनों मॉडल्स की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन के साथ वीडियो बना दूंगा, इस वजह से मैं वीडियो के अंदर नहीं बता रहा हूँ, पूरा चार्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। ओके, जहाँ तक बात कर लें कुछ मजीद इसके बारे में, तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। आई होप सो वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो के मुतालिक फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट्स करें पूछ रहे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।